Hey my loves, welcome back to my channel. I hope you all are doing well. So in this video, I'll be talking about 3 sunscreen, all you need. All of these are from Wow Skin Science. One I have for you is this matte finish sunscreen with SPF 35. Second sunscreen I have for you is anti-pollution sunscreen. It's water resistant sunscreen lotion, has SPF of 40. Third, I have this AM to PM sunscreen, again water resistant sunscreen lotion with SPF of 50. So I'll be comparing these 3 sunscreens and I'm gonna tell you which one will suit for you and which one you should go for. So if you're interested, then please keep on watching, and agar channel ko subscribe nahi kiya hai, then make sure aap channel ko subscribe kar lein, bell button pe bhi click kar dein so that kabhi koi video aap miss na kar paye. एंड अगर आप अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं कर रहे हैं, यू हैव टू कम एंड फॉलो मी देयर बिकॉज आई कीप ऑन पोस्टिंग अ लॉट ऑफ स्टफ देयर. सो फटाफट से आइए, मुझे वहाँ ज्वाइन कीजिए. एंड नाउ विदाउट वेस्टिंग अ मिनट, लेट्स गेट स्टार्टेड. नाउ लेट्स टॉक द कॉमन थिंग बिटवीन दीज 3. फर्स्ट ऑफकोर्स द ब्रांड, एंड वी ऑल नो इनके सारे के सारे प्रोडक्ट्स पैराबेन, मिनरल ऑयल, सल्फेट, इन सबसे फ्री होते हैं. दे आर डर्मोलॉजिकली टेस्टेड एंड दे आर सेफ फॉर ह्यूमन यूज. एंड ऑफकोर्स दिस ब्रांड इज मेड इन इंडिया ब्रांड, and of course we should support our Indian brands. Now let's talk about this sunscreen with SPF of 35. Now this one is a broad spectrum sunscreen, again gonna protect you from UVA and UVB, of course both of the rays, and it has PA++ and suitable for all skin types, and it has natural sun blockers, like it has raspberry extract, carrot seed extract and avocado oil, and this sunscreen is water resistant as well. I'm not saying it's sweat resistant, but yes, it's water resistant. ये अब देखो, ये it's quite thick in consistency, बहुत ज़्यादा light weighted नहीं है ये वाली. ये बहुत ज़्यादा light weighted नहीं है, थोड़ी सी thick है in consistency, but उतनी भी thick नहीं है कि आपको uncomfortable feel हो. Can you see? ये आप देख सकते हो, कोई भी वाइट कास्ट ये नहीं छोड़ती है गाइज. एंड या आप देख सकते हो, वाइट कास्ट नहीं है, बस थोड़ा सा एक हेल्दी शाइन नज़र आ रही है. शाइन नहीं भी नहीं बोलूँगी, लाइक हेल्दी हेल्दी स्किन नज़र आ रही है, दैट व्हाट आई कैन से. कैन यू सी द डिफरेंस? Next in the list is this one, anti-pollution sunscreen with SPF of 40. Now this one is again a water resistant sunscreen, and it has Altermonas ferment extract, licorice extract and vitamin B3, again suitable for all skin type, and again this one is also water resistant. Ye bhi I think iska texture thoda sa aap dekhoge, I can't explain it. ये आप देखो इसका टेक्सचर, ये भी थिक कंसिस्टेंसी में ही है. ये आप देखो, बट नॉट एट ऑल दैट थिक. कैन यू सी? एंड वंस आई एम गोना अप्लाई दिस, आप देखोगे ये बिल्कुल नहीं बचेगी हाथ में. एंड जब मैंने इसका रिव्यू किया था आप लोगों के साथ शेयर, मैंने उसमें भी आपको बताया था कि जनरली यू नो, जब मेरा स्किन ठीक होता है, जब मुझे फाउंडेशन की ज़रूरत नहीं होती है, तो मैं सिर्फ ये सनस्क्रीन लगा के, ऊपर से काजल एंड ऑल लगा के बस हो जाता है. तो ये थोड़ा सा आपको कवरेज नहीं मैं बोलूँगी, कवरेज देता है, बट आपका जो स्किन है वो बहुत अच्छा हेल्दी नज़र आता है अंदर से. सो दैट व्हाट आई लव अबाउट दिस वन. आप देखो कितना ज़्यादा था और ये सारा का सारा स्किन में अब्जॉर्ब हो गया, एंड कोई वाइट कास्ट नहीं है गाइज, कोई वाइट कास्ट नहीं है. कैन यू सी? बहुत अच्छे से हेल्दी. एंड अगेन इसकी भी फ्रेग्रेंस मतलब ज़्यादा उतनी स्वीट नहीं है जितनी इस वाले की थी, बट येस डेफिनेटली थोड़ी सी प्यारी सी स्वीट सी फ्रेग्रेंस है. बट येस यू कैन सी, बिल्कुल भी स्टिकीनेस नहीं है और बिल्कुल भी हैवी नहीं है. या लेट मी जस्ट वाइप ऑफ माय आर्म्स, बिकॉज अभी हमें थर्ड वाली भी अप्लाई करके देखनी है. सो
बिकॉज अभी मुझे गर्मी यहाँ इतनी गर्मी लग रही है सो आई हैव टू रिमूव इट. थर्ड वन आई हैव दिस AM टू PM सनस्क्रीन विद SPF ऑफ 50. नाउ अगेन दिस वन इज अ ब्रॉड स्पेक्ट्रम गोना प्रोवाइड यू प्रोटेक्शन फ्रॉम UVA एंड UVB एज वेल. अगेन वाटर रेजिस्टेंट एंड दिस सनस्क्रीन इज इन्फ्यूज्ड विद मोरक्कन अर्गन ऑयल, एलोवेरा एक्सट्रैक्ट, लिकोराइस एक्सट्रैक्ट, विटामिन ई. इसका कंसिस्टेंसी गाइज इट्स नॉट थिक क्रीम, ये बिल्कुल लोशन के टेक्सचर में आती है. ये आप देखना अभी, कैन यू सी दिस? देखो ये थोड़ा सा ना, इट्स नॉट एट ऑल थिक, बट ये थोड़ा लोशन काइंड ऑफ अ टेक्सचर में है. ये आप देखो, ये मैं इसको कवरेज नहीं बोलूंगी, देखो सारा अच्छे से अब्सॉर्ब हो गया स्किन में. यस, कैन यू सी देयर इज नो, वेरी कैन यू सी द डिफरेंस? आई मीन इफ यू आर पर्सन हु लाइक दैट लिटिल बिट हेल्दी काइंड ऑफ ग्लो एंड बहुत लाइट सा कवरेज अगर आपको अच्छा लगता है आपके सनस्क्रीन से, सो आई थिंक आपको ये अच्छा लगेगा. कैन यू सी बहुत हल्का सा कवरेज है इसमें, एंड विच आई लाइक इट, लाइक मुझे अच्छा लगता है. बट इफ़ यू आर नॉट अ पर्सन जिसको यू नो ये थोड़ा सा भी थोड़ी क्वालिटीज थोड़ा सा भी कवरेज अगर अच्छा नहीं लगता है तो आई थिंक आपको ये अच्छा नहीं लगेगा. बट इट्स वेरी वेरी लाइट वेटेड आई वुड से. गाइज आई होप यू कैन सी दिस. सो ये आप देख सकते हो, दिस वन इज SPF ऑफ 35. इट्स लिटिल बिट थिक इन कंसिस्टेंसी, कैन यू सी? एंड दिस वन इज एंटी पॉल्यूशन वन, अगेन लिटिल बिट थिक इन कंसिस्टेंसी. सो ये वाली जो दो हैं ये आई थिंक क्वाइट सिमिलर सा टेक्स्चर मुझे इनका लग रहा है, बट दिस थर्ड वन, ओ माई गॉड, दिस इज वेरी वेरी लाइट. कैन यू सी दिस? ये आप देखो, ये बिल्कुल लिक्विड काइंड ऑफ अ टेक्सचर में है. कैन यू सी? नाउ आउट ऑफ दीज थ्री विच वन आई विल रिकमेंड नाउ गाइज, दैट्स टोटली ऑन यू, ऑन योर नीड, व्हाट यू एक्चुअली नीडेड एंड व्हाट्स योर स्किन टाइप. आई वुड से दीज थ्री ऑफ देम आर सुटेबल फॉर ऑल स्किन टाइप्स, वेदर यू आर ऑयली, वेदर यू आर ड्राई स्किन, बट आई थिंक दीज आर बेस्ट सुटेड फॉर नॉर्मल टू ड्राई स्किन पीपल. एंड इफ यूर ऑयली स्किन तो आपको विंटर्स में ही बहुत अच्छे से परफेक्टली सूट कर जाएंगी. आई फील नॉट फॉर द समर लाइक दीज टू, बट दिस हैज़ अ लिटिल लाइट कंसिस्टेंसी देन दीज टू. ये थोड़ी सी लोशन काइंड ऑफ टेक्स्चर में आती है. एंड अगर आपको इससे भी लाइट चाहिए तो मैंने रिसेंटली इनका जो न्यू सनस्क्रीन स्प्रे आया है, मैंने उसका रिव्यू आप लोगों के साथ शेयर किया था. तो अगर आपने वो नहीं देखा है, ऑफकोर्स यहाँ लिंक दे दूंगी, यानी जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारे लिंक्स मिल जाएंगे रिलेटेड टू ऑल वाओ प्रोडक्ट्स के जितने मैंने आज तक रिव्यू किए हैं. सो अगर आप बिल्कुल लाइट कंसिस्टेंसी का ढूंढ रहे हो तो यू कैन गो फॉर दिस वन, बट अगर आप लोशन काइंड ऑफ अ टेक्सचर ढूंढ रहे हो तो आप इसकी तरफ जा सकते हो, और अगर आपको क्रीम वाले चाहिए तो आप इनकी तरफ जा सकते हो. ना अगेन आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, अगर आपको जस्ट नॉर्मल डेली उसके लिए चाहिए, आप कोई एक्टिव यूज़ नहीं करते हैं तो आपका काम SPF 35 से भी हो जाएगा. बट अगर आप ऐसे हैं जो एक्टिव यूज़ करते हैं, लाइक अगर आप ग्लाइकोलिक एसिड यूज़ करते हैं या रेटिनॉल यूज़ करते हो, देन आपको ऑफकोर्स SPF 50 की तरफ ही जाना पड़ेगा. देन SPF 35 या 40 काम नहीं करेंगे, आपको हायर SPF की तरफ ही जाना पड़ता है. और इफ़ यू आर डूइंग केमिकल एक्सफोलिएशन और इफ़ यू आर यूजिंग विटामिन सी, अगेन SPF 50 और SPF 40 और इससे ज़्यादा वाले की तरफ भी आप जा सकते हो. बट अगर आपको नॉर्मल डे के लिए चाहिए तो आप SPF 35 की तरफ भी जा सकते हो, ये भी आपके लिए सफिशिएंट है. एंड अगेन नाउ ये वाले
ना इस वाले की बात करूँ तो ये अगर आप बाहर जाते हो, आपका बाहर आना जाना ज़्यादा रहता है, पॉल्यूशन में अगर आपका एक्सपोजर रहता है, तो आई वुड से गो फॉर दिस वन बिकॉज इट हैज़ एंटी पॉल्यूशन शील्ड एज वेल. सो दैट्स ऑल ओवर दीज थ्री. यू कैन चूज अकॉर्डिंगली विच वन यू शुड गो फॉर. एंड आई कैन टेल यू दीज थ्री ऑफ देम आर रियली रियली नाइस. आई काइंड लाइक ऑल ऑफ देम एंड आई विल रिकमेंड ऑल ऑफ दीज थ्री टू ऑल द स्किन टाइप्स. एंड मैंने बता दिया दीज आर बेस्ट सूटेड फॉर नॉर्मल टू ड्राई स्किन पीपल एंड ऑयली स्किन के लिए, सर्दियों के लिए दीज आर दी बेस्ट. सो दैट इज इट. दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो. आई होप यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल. वीडियो हेल्पफुल लगी, अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा. मिलती हूँ आपको अपनी अगली वीडियो में. तब तक अपना ध्यान रखिएगा. बाय बाय.